आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। बट क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, उसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उन सभी को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर करते हैं, राइट। और दोनों मेथड से सॉल्व करने के बाद जो एलिमिनेशन मेथड का आंसर आएगा वही आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी आंसर आएगा, राइट, जिससे आपका वेरीफाई हो जाएगा वैल्यू एक्स और वाई के, राइट। ये आ गया हमारा 2x-3y = 4। इसको बनाते हैं हम वाई एलिमिनेशन मेथड से। मेथड क्लियर। तो एलिमिनेशन मेथड से बनाना है तो हमको एक्स या वाई के वैल्यू को डिलीट करना होगा। तो किसको डिलीट करें, तो हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू को डिलीट कर देते हैं। अगर एक्स का वैल्यू को डिलीट करना है मुझे, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू दोनों पेयर में, दोनों लीनियर इक्वेशन में एक्स का वैल्यू को सेम करना होगा। यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x करना होगा। तो इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई वाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो 2 का x में क्या, 2x हो गया, ये 2y हो गया, और 2 × 5 = 10 हो गया। ओके, इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड हमारा। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड थर्ड, राइट। इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। तुलते हैं 2x-3y = 4 और 2x+2y = 10। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएगा सब जगह। 10 में से 4 गया, 6 बच गया माइनस का। यहाँ 8 हो जाएंगे माइनस का 5y, माइनस से माइनस कट भी गया और यहाँ ये कट गया। तो माइनस माइनस कट गया, 5y = 6। तो y इक्वल क्या आ जाएगा, 6/5। y इक्वल आ गया हमारा 6/5, ये निकल गया y का वैल्यू, राइट। y इक्वल ना 5 डिवाइड में चल गया 6 का, तो 6/5। अब इस y का वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें पुट करें बताइए, 1 में, चलिए 1 में कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो x+y की जगह लिखेंगे 6/5 = 5। तो x = 5 - 6/5, x = 5 × 25 - 6/5। तो x = आ गया आपका 19/5। वाई का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, जब हम एलिमिनेशन मेथड से बनाए तब, राइट। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। तो लिख देंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अब इन्हीं इक्वेशन को उठाते हैं, x+y = 5। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, 5 - y। तो x = आ गया 5 - y। अब इस एक्स का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में, राइट। इक्वेशन 2 में एक्स का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 5 - y, और यहाँ -3y = 4। 2 × 5 = 10 और 2 का y से के -2y - 3y = 4। तो यहाँ आपके आ गया 10 - 5y = 5। अब 10, 5 को इधर ले आते हैं तो माइनस का 5 हो जाएगा हमारा। एक मिनट, अभी सिर्फ x का वैल्यू ही निकला है ना, हाँ y का वैल्यू निकल गया है। ओके, तो y इक्वल कितना आएगा, 6/5 आएगा हमारे।
नहीं फिर तो गलत हो जाएगा ना। बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल फाइव, एक्स इक्वल फाइव माइनस वाई निकालिए हम इक्वेशन वन से, एक्स का वैल्यू निकालिए फाइव माइनस वाई। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट कर दिए हम लोग एक्स का वैल्यू को, टू एक्स की जगह लिख दिए हम लोग फाइव माइनस वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल फोर। टू फाइव या टेन, टू 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 का वाई से मल्टीप्लाई किए टू वाई हो गया हमारा, और यहाँ माइनस थ्री वाई इज इक्वल फाइव, टेन माइनस टू थ्री फाइव वाई इज इक्वल फाइव। अब टेन में से फाइव जाएगा फाइव, ओके, और इज इक्वल क्या भेज देंगे माइनस का फाइव वाई प्लस का फाइव वाई, तो यहाँ फाइव इज इक्वल फाइव वाई, तो फाइव से फाइव कट गया वाई इक्वल आ गया वन। तो गलती हो रहा है यहाँ पे, इससे समझ में आ गया, यहाँ वाई इक्वल वन आ रहा है, यहाँ वाई इक्वल सिक्स पॉइंट फाइव आ रहा है, तो क्या गलती हो रहा है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं हम फिर से। तो माइनस थ्री वाई माइनस टू वाई, तो माइनस का फाइव वाई यहाँ होगा, ओके, और यहाँ माइनस के तो माइनस का सिक्स वाई, माइनस से माइनस कट गए तो वाई इक्वल आ गया सिक्स अपॉन में फाइव। आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, y इक्वल सिक्स अपॉन फाइव, एक्स इक्वल नाइनटीन अपॉन फाइव, तो सिक्स अपॉन में फाइव आएगा ना। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, x प्लस वाई इज इक्वल फाइव, एक्स इक्वल फाइव माइनस वाई, यहाँ गलती हो रहा है ना हमारा, यहाँ y का वैल्यू गलत आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू, हाँ यहाँ पे फोर है तो यहाँ फाइव लिख दे रहे हैं, समझे, यहाँ क्या है फोर है हमारा, यहाँ फोर है, टेन में से फोर गया यहाँ बच गया सिक्स, ये माइनस नहीं होगा, ये बच गया सिक्स इज इक्वल फाइव वाई, वाई इक्वल आ जाएगा सिक्स अपॉन में फाइव, राइट तो ऐसे पता भी चल जाएगा आपको सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हैं, आ गया ना वाई का वैल्यू सेम, मतलब ठीक है। अब हम वाई का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन निकाले हैं इसमें, इसको दे देते हैं इक्वेशन हम, थर्ड फोर्थ दे देते हैं, ठीक, तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फोर, राइट, इक्वेशन फोर में हम वाई का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, यह है इक्वेशन फोर। तो एक्स इज इक्वल फाइव माइनस वाई की जगह क्या लिखना है सिक्स अपॉन में फाइव, तो एक्स इक्वल फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स अपॉन में फाइव, एक्स इक्वल आ गया नाइनटीन अपॉन में फाइव, दिखा x का वैल्यू 19.5, x का वैल्यू 19.5, तो ये हमारे हो गए आंसर। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए या इलिमिनेशन मेथड से बनाइए, आपके आंसर क्या आने वाले हैं, दोनों में सेम आने वाले हैं, ओके। तो अब इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्या है हमारा, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टेन, और टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। अब इसमें किसको डिलीट करें, चलिए इसमें वाई को डिलीट कर देते हैं, तो इक्वेशन टू में मुझे क्या करना होगा, टू का मल्टीप्लाई, इसको किससे बना रहे हैं, बाय इलिमिनेशन मेथड, ठीक ना, बाय इलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं अपन लोग, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय टू इन इक्वेशन टू, तो टू टू जा फोर एक्स हो गया, और टू टू जा फोर वाई भी हो गए, और टू टू जा
फोर हो गया। इक्वेशन टू में हम टू का मल्टीप्लाई कर दिए ना, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर वाई और टू टू जा फोर। अब क्या कर दे रहे हम यहाँ पे एडिंग कर देते हैं इक्वेशन इससे वन में, ठीक है। चलिए तो थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टेन एड कर रहे हैं हम, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, टेन फोर फोर्टीन हो गया, यहाँ कट गया और फोर थ्री सेवन एक्स हो गया। तो देखिए यहाँ सेवन टू जा फोर्टीन, तो एक्स इक्वल कितना आ गया, एक्स इक्वल आ गया हमारा टू, राइट। अब इस एक्स का वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन वन में। ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, ठीक, थ्री एक्स की जगह लिखेंगे टू प्लस फोर वाई इज इक्वल टेन, थ्री टू जा सिक्स प्लस थ्री टू जा क्या हो गया हमारा, थ्री टू जा सिक्स हो गया। अब टेन को डेली आते हैं तो माइनस का टेन हो जाएगा, प्लस का फोर वाई उधर ले जाएंगे तो माइनस का फोर वाई हो गया। तो यहाँ बच गया हमारा माइनस फोर वाई इज इक्वल माइनस फोर, माइनस माइनस कट गया, फोर से फोर कट गया तो वाई इक्वल क्या बचा, वन बचा, फोर से फोर कट गया ना सब, तो वाई इक्वल क्या बचा, यहाँ कट गया तो बचा हमारा वन। कभी भी कटता है डिवाइड जाता है तो वन हमेशा बचता है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल वन आ गया हमारा, राइट। अब इसको बनाते हैं हम किससे, अब बनाते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन ले लेंगे, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टेन, और क्या दिया है टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन वन इक्वेशन टू ऐसा कहते हैं, स्टार्टिंग से बनाते हैं ना, इक्वेशन वन है ये इक्वेशन टू है आपको दिए हुए। तो इक्वेशन वन से हम एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं, चलिए ऐसा करते हैं, थ्री एक्स इक्वल टेन माइनस फोर वाई। तो यहाँ पे अब करते हैं एक्स इक्वल टेन माइनस फोर वाई, तो अपॉन में चल जाएगा हमारा ये थ्री, ये एक्स का वैल्यू आ गया। अब एक्स का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं हम लोग इक्वेशन टू में, ओके। यहाँ पे इक्वेशन टू भी उठा लेंगे, टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू, इसको दे देंगे इक्वेशन टू नाम। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू, इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। तो टू और एक्स की जगह लिखेंगे अब टेन माइनस फोर वाई अपॉन थ्री माइनस टू वाई इज इक्वल टू हो गया हमारा। अब इस पूरे इक्वेशन में थ्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे इक्वेशन में थ्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ थ्री आ जाएगा, थ्री टू जा सिक्स या थ्री से थ्री कट गया हमारा, समझे, थ्री कट गया। अब यहाँ आपका बच गया टू टेन माइनस फोर वाई और यहाँ थ्री टू जा सिक्स वाई और थ्री टू जा सिक्स हो गए, टू टेन जा ट्वेंटी, टू फोर जा एट वाई और माइनस सिक्स वाई इज इक्वल सिक्स, ट्वेंटी माइनस का सिक्स प्लस का सिक्स इधर लिया माइनस का सिक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे एट ऑफ सिक्स कितना होगा फोर्टीन होगा, माइनस का फोर्टीन वाई उस पर भेजेंगे प्लस का फोर्टीन वाई हो जाएगा हमारा, समझ गए ना। अब ट्वेंटी में से सिक्स माइनस करेंगे कितना बचेगा, फोर्टीन बच जाएगा, राइट, फोर्टीन इज इक्वल फोर्टीन वाई, फोर्टीन से फोर्टीन कट गया तो वाई इक्वल कितना आ गया, वन आ गया, राइट। अब ये y का वैल्यू को, अब y का वैल्यू को क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, या पुट कर देते हैं y का वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड, ठीक। x इक्वल टेन माइनस फोर, अब y की जगह वन लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर वन जा फोर ही हो जाएगा अपॉन थ्री, एक्स इक्वल आ गया टेन में से फोर गया सिक्स अपॉन में थ्री, थ्री टू जा सिक्स, एक्स इक्वल आ गया हमारे टू,
और यही हमारा हो गया आंसर। तो देखिए यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड से बनाए तभी एक्स का वैल्यू टू, यहाँ एक्स का वैल्यू टू, वाई का वैल्यू वन, वाई का वैल्यू वन, दोनों मेथड से बनाते हैं तो वैल्यू क्या आते हैं एक्स के सेम आते हैं। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब सारा क्वेश्चन वैसे ही ना, सारा लीनियर इक्वेशन जो दिया सब वैसे ही बनाना है, वही तरीका लेकर। 3x माइनस 5y, माइनस का 4 है इस उस पाले गए, प्लस का 4 हो गया, इक्वेशन वन दिया है हमारा, राइट। और 9x इक्वल में 2y है इस पर लिया है, तो माइनस का 2y इज इक्वल बच गया 7, इक्वेशन 2। इसको ही बना रहे हम बाई एलिमिनेशन मेथड से, ओके। अब इसमें हम किसको डिलीट करें, तो इसमें एक्स को डिलीट कर देते हैं, तो इक्वेशन वन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 जा 9x हो गया, और 3 5 जा 15y हो गए, और 3 4 जा 12 हो गया, ये हमारा हो गया, राइट। इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब 2 और थर्ड को सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट द इक्वेशन थर्ड एंड 2, तो 9x माइनस 15y इज इक्वल 12, और 9x माइनस 2y इज इक्वल 7, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ बच गया आपका 5, और यहाँ बच गया आपका माइनस में आएगा ना, 12 में से 2, 15 में से 2 गया 13, माइनस का 13y, और ये आपके कट गए, तो y इक्वल आ जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए तो y इक्वल हमारा क्या आ जाएगा 5, और ये 13 मल्टीप्लाई में y के साथ इस पर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और ये माइनस भी उस पर चला जाएगा, तो माइनस का आ गया हमारा y इक्वल माइनस 5 ओपन में 13। जगह कम है इसलिए एडजस्ट करके चलना पड़ा है ना, y इक्वल माइनस 5 ओपन में 13, ये आ गया हमारे y के वैल्यू। अब इस y का वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन वन में, पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो 3x माइनस 5, y की जगह लिखेंगे माइनस 5 ओपन में 13 इज इक्वल 4, तो 3x माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 जो 25 अपॉन 13 इज इक्वल 4, 3x इज इक्वल 4 माइनस 25 अपॉन में 13, तो 3x इज इक्वल 13 का 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 जो 12 का 2, 1 बज गया 4 1 जो 4 और 5 52 माइनस 25 अपॉन 13, तो ये हो गया हमारा x इक्वल माइनस करिए कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 2 गया 2 और 13, और ये 3 को इस पर लाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई में 30, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये रहेगा डिवाइड में, 3 9 जा 27, तो x इक्वल कितना आया हमारा, x इक्वल आ गया 9 अपॉन में 13, ये नीचे वाला दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे समझ में आया ना क्या हुआ, 52 से 25 माइनस के 27 बचा, अपॉन का 13 लिख दिया हम, और यहाँ पे 3 था x के साथ मल्टीप्लाई में, 3 को उस पार भेजे तो डिवाइड में आ गया, लिखा नीचे, अब 3 से 27 डिवाइड चल गया 9 बार में, तो यहाँ बच गया 9 अपॉन में 13, राइट। अब बनाते हैं हम आगे, तो यहाँ पे y का वैल्यू निकल गया, x का भी वैल्यू निकल गया, अब बनाते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्लियर। अब सेम इन्हीं इक्वेशनों को उतारेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल 4, इसको इक्वेशन वन दे लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, और यहाँ एक मिनट, सबसे पहले लिख देते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अब उतारते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल
फोर, ये इक्वेशन वन दिया है, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे हम, तो x 3x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 पाई उधर गया तो प्लस का 5y, x इक्वल आ गया हमारा 4 प्लस 5y अपॉन में 3, ये x का वैल्यू आ गया ना। अब इस x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 2 में, अब उतार लेंगे इसके बाद हम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या दिया है, 9x माइनस 2y इज इक्वल 7, अब लिखते हैं इसको, दे देते हैं इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो करते हैं 9, अब x की जगह लिखने वाले हम लोग 4 प्लस 5y अपॉन 3, राइट, और माइनस 2y इज इक्वल 7, 3 थ्री जा 9, यहाँ 3 आ गया, 3 थ्री जा 9, 3 आया, 3 का ब्रैकेट करने मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ब्रैकेट आपका हट जाएगा, तो 3 फोर जा 12 हो गए, और 3 फाइव जा 15y हो गया हमारा, और माइनस 2y इज इक्वल 7। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, 12 प्लस का 7 इस पर लिया माइनस का 7, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 15 में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 13y प्लस का 13y इस पर भेजेंगे तो माइनस का 13y हो गया हमारा, ये बच गया 5 इज इक्वल माइनस 13y, तो y इक्वल कितना आ गया, y इक्वल आ गया 5 अपॉन में 13 वो भी माइनस का, तो y इक्वल आ गया माइनस 5 अपॉन में 13, देखिए y इक्वल माइनस 5 अपॉन में 13 आया था, हाँ आया था, तो ये हमारा ठीक है। अब इस y का वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इस इक्वेशन में, इसको क्या दे दें इक्वेशन, चलिए इसको इक्वेशन दे देते हैं हम 3, ठीक, इक्वेशन 3 दे दिए ना, तो y का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल 4 प्लस 5 और y की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 5 अपॉन में 13, माइनस 5 अपॉन में 13, अब पूरे के अपॉन में आ जाएगा हमारा 3, तो x इक्वल 4 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 13 और इसके अपॉन में 3, तो x इक्वल 25 से 4, अब क्या करेंगे 13 का 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 थ्री जा 12 का 2 1 बज गया 4 1 जा 4 और 5 52 माइनस 25 अपॉन 13 और ये डिवाइड में ये 3 ऊपर चले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो x इक्वल आगे हमारा ये माइनस होगा 27 अपॉन 13 इंटू 3, अब 3 9 जा 27 होता है, x इक्वल बच गया 9 अपॉन में 13, देखिए x इक्वल 9 अपॉन में 13 आया था, हाँ आया था, तो हमारा वेरीफाई भी हो गया, दोनों जगह x और y के वैल्यू सेम आ रहे हैं, तो हमारा ये आंसर हो गया, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग इसके बाद फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट नंबर है, आपको बस मैथ का कैलकुलेशन आना चाहिए, बाकी आपसे इजीली बनेंगे सारे क्वेश्चन। फोर्थ नंबर दिया है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल माइनस का 1, देखिए यहाँ 2 और 3 है अपॉन में, तो अपॉन वाला को सबसे पहले हम हटाएंगे, इसको हटाना है, तो इस इक्वेशन में क्या करना होगा, इस इक्वेशन में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 3 गायब हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, राइट, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए 6 का, मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन 1, इसको 1 दे देते हैं, राइट, तो कर देते हैं यहाँ 6 इंटू एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस,
सिक्स इंटू टू वाई अपॉन में थ्री हो जाएगा। अब सिक्स वन जा माइनस का सिक्स, थ्री टू जा सिक्स और टू थ्री जा सिक्स, तो थ्री का एक्स से मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स हो गया, प्लस टू टू जा फोर वाई और इज इक्वल माइनस सिक्स, ये बन गया इक्वेशन आपके टू आ गए। ओके, यहाँ से बनाना नहीं इक्वेशन आपका, या इसको इक्वेशन नाम नहीं देते हैं, चलिए इसी को दे देते हैं इक्वेशन वन हमारा, राइट। अब इसके बाद सेकेंड नंबर का दिया है, सेकेंड इक्वेशन दिया है आपका एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री इज इक्वल थ्री। अब यहाँ से थ्री को हटाना है तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री का बाई थ्री इन बॉथ साइड, ठीक, मल्टीप्लाई बाय थ्री ऑन बॉथ साइड। चलिए थ्री का मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री एक्स हो गया, माइनस थ्री से थ्री एक कट गया, वाई इज इक्वल थ्री थ्री जा नाइन, इसको दे देते हैं इक्वेशन टू, इक्वेशन वन ये इक्वेशन टू आ गया, क्लियर। अब इसको हमको किससे बनाना है, इलिमिनेशन मेथड से बनाना है, तो लिख देंगे बाई इलिमिनेशन मेथड, राइट, इन दोनों को। तो यहाँ दिख रहा है थ्री एक्स कट हो जा रहा है, तो मल्टीप्लाई करने की अब ज़रूरत नहीं किसी को, डायरेक्ट ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन एंड टू, राइट। तो थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल माइनस सिक्स, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल नाइन। अब साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों तो ऐड हो गया, 15 हो गया माइनस का, और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, 5y हो जाएगा, और यहाँ 3x, अब 3x प्लस माइनस से कट गया, तो y को ला गया आपका 5 थ्री जा 15, तो y को ला गया माइनस का 3। अब इस y का वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन वन में, y इन इक्वेशन वन, क्लियर। थ्री एक्स प्लस फोर वाई की जगह लिख देंगे माइनस का थ्री इज इक्वल माइनस सिक्स, तो थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व इज इक्वल माइनस सिक्स, थ्री एक्स माइनस का ट्वेल्व इसको क्या कहते हैं, उस पर भेज देते हैं, माइनस सिक्स तो प्लस का ट्वेल्व हो जाएगा, तो थ्री एक्स इज इक्वल ट्वेल्व में से सिक्स गया कितना बच गया सिक्स, अब थ्री टू जा सिक्स, तो एक्स इक्वल आ गया आपका टू, वाई इक्वल माइनस थ्री एक्स इक्वल प्लस का टू। अब इसको हम किससे बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, अब लिख देंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर। तो इसके लिए अब दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो बनाए ना हम, इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट उतारते हैं, राइट, इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट उतार के बना दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि फिर से इसको उतारना और काम करना लंबा चौड़ा जाएगा, डायरेक्ट इन इक्वेशन को ही उतारते हैं हम, जो इक्वेशन हम बना चुके हैं, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल माइनस का सिक्स, ये हमारा इक्वेशन वन है। और क्या दिया है, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल नाइन। अब हम क्या करते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन वन लिख देते हैं, ये इक्वेशन टू है, क्लियर है ना, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से एक्स का वैल्यू निकालते हैं, थ्री एक्स इज इक्वल माइनस सिक्स, और प्लस का फोर वाई उधर गया तो माइनस का फोर वाई हो गया हमारा,
तो एक्स इक्वल हो जाएंगे माइनस सिक्स माइनस फोर वाई अपॉन में हो जाएगा हमारा थ्री, ये एक्स का वैल्यू हो गया। अब इस एक्स का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन टू में, ये इक्वेशन टू है हमारा, ठीक लिख देते हैं, इसको ले देते हैं इक्वेशन थर्ड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू, तो थ्री और एक्स की जगह लिखेंगे हम माइनस सिक्स माइनस फोर वाई अपॉन थ्री, यह थ्री से थ्री तो कट गया और माइनस वाई इज इक्वल नाइन। अब हमारे पास बच रहा है माइनस सिक्स माइनस फोर वाई और माइनस वाई इज इक्वल नाइन, माइनस सिक्स को उस पर भेज देते हैं, अब ये माइनस फोर वाई माइनस वाई जुड़ के हो गया माइनस फाइव वाई इज इक्वल नाइन प्लस सिक्स, तो माइनस फाइव वाई इज इक्वल नाइन सिक्स फिफ्टीन हो गया, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, तो वाई इक्वल आ गया माइनस का थ्री, दिखा वाई इक्वल माइनस थ्री, ठीक है। अब इस वाई का वैल्यू को हम सब पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन थर्ड में ना वाई का वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारा आ गया एक्स इक्वल माइनस सिक्स माइनस फोर और वाई की जगह क्या लिखना है अपने को माइनस का थ्री अपॉन थ्री, माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस फोर थ्री जो ट्वेल्व अपॉन में सिक्स, तो एक्स इक्वल आ गया सिक्स अपॉन में थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो एक्स इक्वल आ गए टू, एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू सेम आ गया ना, तो ये हमारे क्या हो गए आंसर भी हो गए हमारे। तो इसी तरह से आप जिस क्वेश्चन को मेंशन नहीं किया जाएगा कि आप किस मेथड से बनाना चाहते हैं, अगर सिर्फ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दे देगा बोलेगा सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप उसे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में से किसी भी एक मेथड से बना सकते हैं, आपके आंसर सेम आने वाले हैं। तो अब आगे का क्वेश्चन नंबर टू हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।